अब हम आगे चलते हैं और एक ऐसी फीचर एक्सप्लोर करते हैं जो कि इंसान के लिए बिल्कुल नई नहीं है. इट्स बिन देयर सिंस द स्टार्ट ऑफ द टाइम्स. एक बड़ी ही अकलमंद दादेश्वर ने कहा था कि मैन इज अ सोशल एनिमल. क्या आप गेस कर सकते हैं कि हम वर्डप्रेस की कौन सी फीचर एक्सप्लोर करने जा रहे हैं? थोड़ा ज्यादा सोचें, क्या पता ये फीचर आपने यूज की हो. टुडे द फीचर that we are going to explore is called comments. और ये एक ऐसी WordPress की फीचर है जिसने WordPress को, बल्कि ना सिर्फ WordPress को बल्कि किसी भी content management system को social बना दिया, और साथ साथ उसमें एक ऐसी फीचर ऐड की जिससे लोग एक दूसरे के साथ opinions शेयर कर सकते हैं. But what are opinions? ओपिनियंस होते क्या है? ओपिनियंस क्यों जरूरी है? ओपिनियंस कैसे हमारी पूरी जिंदगी को बदल देते हैं? प्लेटो ने कहा था, ओपिनियन इज द मीडियम बिटवीन नॉलेज एंड इग्नोरेंस. सो योर ओपिनियन इज व्हाट विल डिफाइन हु यू आर एंड व्हाट यू डू. अभी तक आपका वर्डप्रेस के बारे में भी एक ओपिनियन बन चुका होगा. इसी तरह जैसे जैसे आप लाइफ में प्रोग्रेस करेंगे, यू विल वॉन्ट टू शेयर मोर आइडियाज, यू वुड वॉन्ट टू टॉक मोर, यू वुड वॉन्ट टू इंटरेक्ट मोर विद पीपल. दिस इज व्हाट अ फीचर ऑफ वर्डप्रेस, जिससे हम कमेंट्स करके एक दूसरे के साथ वी कैन शेयर न्यू आइडियाज एंड वी कैन शेयर न्यू ओपिनियंस. व्हाई डज दिस फीचर एग्जिस्ट? इज बिकॉज ह्यूमंस आर सोशल. लोगों को एक दूसरे से बात करने का शौक है, लोगों को एक दूसरे को सुनने का शौक है, एंड दे लाइक टू टॉक टू ईच अदर. ये फीचर वर्डप्रेस में नई नहीं है, बल्कि किसी भी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में वन ऑफ द कोर फीचर्स इज द फीचर टू पोस्ट कमेंट्स. एंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्डप्रेस स्टार्टेड ऑफ एज अ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम दैट वॉज स्पेसिफिक टू ब्लॉग्स. और ब्लॉग्स की सबसे बड़ी एक खासियत ये होती है कि ब्लॉग्स आर टू वे कम्युनिकेशन, जिसे दो लोग बल्कि मल्टीपल लोग आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं. एंड दिस फीचर अगेन इज कॉल्ड कमेंट्स. सो अभी आप सोच रहे होंगे कि आप ब्लॉग पे कमेंट कैसे पोस्ट कर सकते हैं. सो जैसा कि मैंने आपको बताया और मैं उसको दोहराता चलूं कि कमेंट्स आर फीचर्स ऑफ ब्लॉग्स व्हिच अलाउज रीडर to respond to posts. अगर आपने एक पोस्ट पब्लिश की, उस पोस्ट पे अगर किसी का कोई ओपिनियन है और कोई वो ओपिनियन शेयर करना चाह रहा है, दैट्स व्हाट कमेंट्स आर फॉर. यूजली तौर पे रीडर्स अपने पर्सनल ओपिनियंस या अपने पर्सनल थॉट्स एंड आइडियाज को शेयर करने के लिए इस कमेंट्स फीचर को यूज करते हैं. And this generates more interactivity with your blog. और ना सिर्फ आपको ये चाहिए कि आप अपने blog पे लोगों को comment करने की feature enable करके दें, but आप लोगों के blogs पे जाके भी comment कर सकते हैं और साथ साथ अपने opinion share कर सकते हैं और अपना blog को promote कर सकते हैं. One of the very important features that I learned in my early days of using WordPress was ke WordPress mein jo commenting system hai usko use karke main ek social media system bhi bana sakta hu, bilkul Facebook ki tarah. Ye bilkul waise hi hai jaise aap apni rozmarra ki zindagi mein Facebook use karte hain aur aapko shauk hai ki you know jab bhi wahan pe koi ek picture aaye ya koi status update aaye to aap नीचे जाके अपने दोस्तों को कमेंट करें और दोस्तों के साथ अपना ओपिनियन जैसा आप फील कर रहे हैं वो शेयर कर सकें. द गुड थिंग अबाउट वर्डप्रेस कमेंट्स इज दैट वर्डप्रेस कमेंट्स कैन बी कंट्रोल्ड एंड दे कैन आल्सो बी रेगुलेटेड.
for the language and for the type of content that is being posted there. So WordPress में ये नहीं है कि कोई भी आके एक कोई comment post करेगा या कोई चीज कहेगा और आपको लाजमी है कि आप उसे सुने या देखें. आपकी मर्जी है, आपके पास control है, आपने देखना है, आपने decide करना है कि आप किसी को allow करेंगे कि नहीं कि वो अपना comment आपके ब्लॉग पे पोस्ट कर सके. उम्मीद तो है आपसे कि आप अपने ब्लॉग को या अपनी वेबसाइट को या अपनी वर्डप्रेस की साइट को एक सोशल साइट रखेंगे. एंड सोशल साइट से मतलब है कि यू वुड अलाउ पीपल टू पोस्ट कमेंट्स. सो कमेंट्स को एक्सेस करने के लिए आप जैसे ही वर्डप्रेस के अपने डैशबोर्ड में साइन इन करें, वहां पे यू विल हैव दिस मेन्यू ऑन द लेफ्ट साइड बार व्हिच इज कॉल्ड कमेंट्स. एंड कमेंट्स is a dedicated menu जिससे आप देख सकते हैं और access कर सकते हैं अपने comments के dedicated dashboard को, जिधर आपको अपने list दिखाई देगी, जैसे कि यहां पर आप देख भी सकते हैं. And उस list में you have multiple options which will be telling you in detail, but it's a dashboard of all comments that have been posted to your sites. आपकी एक साइट हो, आपकी मल्टीपल साइट्स हो, आप पे है कि आपने कमेंट की फीचर इनेबल करनी है कि नहीं करनी, और उसके बाद लोगों को कैसे एक अपॉर्चुनिटी देनी है कि वो आपसे आके अपने थॉट्स एंड ओपिनियंस शेयर कर सकें. सो यू कैन शेयर योर कमेंट्स विद अस, यू कैन शेयर योर थॉट्स विद अस, यू कैन शेयर योर ओपिनियन विद अस एंड लर्न विद अस. अगेन, जैसे मैंने पहले कहा, मैन इज अ सोशल एनिमल. People like to work with each other. People like to talk to each other. And this is an opportunity for you to open up to the world and allow them to come to your website and share their thoughts and opinions. WordPress ke is comments ke dashboard mein, you will have a list of comments. Un comments mein unki aapko picture nazar aa rahi hogi, aapko email bhi saath saath apne user ka nazar aa raha hoga. आपको ये नजर आ रहा होगा कि उस कमेंट में जो पोस्ट करदा मुद्दा है, कंटेंट है, वो क्या है. उसके साथ साथ आप उस यूजर के कमेंट को एक्सेप्ट डिलीट भी कर सकते हैं, जो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे. आप उसके ऑथर का नाम पढ़ सकते हैं. सो दीज आर द डिफरेंट फीचर्स दैट आर अवेलेबल टू यू इन द वर्डप्रेस कमेंट्स डैशबोर्ड. पर एक क्वेश्चन जो आपके जहन में आ रहा होगा, मैं आपसे दोबारा पूछना चाहूंगा, बल्कि अपने आप से पूछना चाहूंगा. वो क्वेश्चन ये है कि कैन आई एनहांस द वर्डप्रेस कमेंट्स फीचर. क्या पता कोई एक ऐसा प्लगइन हो जिससे वर्डप्रेस की कमेंट्स की फीचर फर्दर एनहांस हो सके. सो आपने बिल्कुल सही समझा. वी विल बी डिस्कसिंग अ बंच ऑफ सच प्लगइन्स. एक उनमें से है डिस्कस. डिस्कस इज अ वेरी पॉपुलर ऑनलाइन प्लगइन फॉर कमेंट्स, जो कि वर्डप्रेस की कमेंट्स को रिप्लेस करके उसमें एक पावरफुल कमेंट्स फीचर डाल देता है. एक और क्वेश्चन जो आपके जहन में शायद आए, जो आप मुझसे पूछना चाहते हो, कि कैन आई ऐड फेसबुक की कमेंट्स फीचर. सो बिल्कुल वैसे ही जिस तरह फेसबुक पे कमेंट्स पोस्ट करते हैं, क्या आप फेसबुक के कमेंट्स को ही वर्डप्रेस में डाल सकते हैं? द शॉर्ट एंड स्वीट आंसर टू दिस एंड ऑल्सो द वेरी सरप्राइजिंग आंसर टू दिस इज येस. एक प्लगइन है जिससे आप अपने ब्लॉग पे या अपनी वेबसाइट पे या अपनी वर्डप्रेस की साइट पे यू कैन इनेबल फेसबुक कमेंटिंग फीचर. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर किसी के पास फेसबुक है तो वो फेसबुक पे लॉगिन करके आपकी वेबसाइट पे पोस्ट कर सकता है थ्रू देयर फेसबुक प्रोफाइल. एंड आई एम गोइंग टू शो यू सम लाइव एग्जाम्पल्स ऑफ साइट्स like beingguru.com, like techjuice.pk, like mangobars.com, which are making use of this feature. एक और जो आपके जहन में क्वेश्चन आएगा कि क्या ऐसे कोई और plugins हैं जिनको यूज करके I can enhance comments on my WordPress website. So yes, we will be exploring a plugin called Jetpack by WordPress. ये WordPress खुद बनाता है to enhance the comments feature. So अब हम आपके साथ comments सेक्शन को एक्सप्लोर करेंगे. ये है वर्डप्रेस आपके सामने. इसमें आप डैशबोर्ड को एक्सेस करके यू कैन सी डिफरेंट थिंग्स, बट माय फोकस टू शो यू इज टू शो यू द कमेंट सेक्शन.
सो पहले तो मैं ये करूंगा, मैं थोड़ा सा स्क्रीन को रीअरेंज कर लूंगा, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वो एक कमेंट मुझे दिखा रहा है। सो जिस तरह मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट मेन्यू बार में कमेंट्स का एक सेक्शन, आई क्लिक ऑन द कमेंट सेक्शन एंड हियर आई कैन सी दैट देयर इज अ कमेंट। बट आप लोग ये पूछ रहे होंगे कि अगर कमेंट अभी तक किसी ने किया ही नहीं क्योंकि साइट इतनी नहीं है, तो ये कमेंट कैसे इधर आ गया? दिस इज अ कमेंट दैट इज पोस्टेड बाय वर्डप्रेस व्हेन इट्स इंस्टॉलिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। इसके बारे में हम आगे ज्यादा जानेंगे बिकॉज वी हैव सेपरेट सेक्शंस एंड लेसन्स एंड टॉपिक्स ऑन रिप्लाइंग टू अ कॉमेंट, व्यूइंग अ कॉमेंट, स्पैम के बारे में हम डिस्कस करेंगे एंड इवन एडिटिंग अ कॉमेंट। सो वी कैन कॉमेंट ऑन योर प्रोग्रेस एंड शेयर विद द लर्निंग कम्युनिटी। एक दूसरे से शेयर करते रहें, बात करते रहें, कॉमेंट करते रहें, एंड साथ साथ वी विल गेट टू लर्न मोर अबाउट वर्डप्रेस कॉमेंट फीचर।